Awesome uh, इस पार्ट में हमने तमाम ईसीजी सी एबनॉर्मेलिटीज डिस्कस करनी है रिवाइज करनी है बेसिकली क्विकली ठीक है सो स्टार्टिंग विद लेफ्ट एक्सिस डेविएशन लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल एक्सिस है वो डेविएट करके लेफ्ट साइड पर हो जाता है जब लेफ्ट साइड में हो जाएगा तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड की जो लीड्स हैं उनके अंदर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगी और राइट right साइड की लीड्स में नेगेटिव रिफ्लेक्शन आएगी अगर हम सिंपल कंसिडर करें तो लीड वन के अंदर हमारे पास आएंगी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और लीड थ्री के अंदर हमारे पास आएंगी नेगेटिव डिफ्लेक्शन ठीक हो गया अगर लीड वन में पॉजिटिव आ रही है और लीड थ्री में नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है लेफ्ट एक्सेस डेविएशन है एंड वाइस वर्ड अगर हम कर लें कि अगर लीड थ्री के अंदर हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ रही हैं और लीड वन में हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन आ रही हैं सो दिस इज राइट एक्सिस डेविएशन ठीक है अच्छा नेक्स्ट वी हैव इनफॉक्शन इनफॉक्शन में हमने क्या देखना है हमने सिंपली देखनी है एस टी एलिवेशन ये पी पी क्यू आर एस और ये टी ये जो है ना ये जो ये एस टी सेगमेंट ये एस टी सेगमेंट हमने देखना है सो दिस वन इज द एस टी सेगमेंट ये एस टी सेगमेंट एलिवेट कर जाएगा इन in इन्फॉक्शन और ये एसटी सेगमेंट एलिवेट किन में करेगा लीड्स जो के इन्फॉक्शन के साथ पड़ी होंगी फॉर इंस्टेंस अगर लेफ्ट साइडेड इन्फॉक्शन है तो उसके अंदर हमारे पास लेफ्ट साइडेड लीड्स के अंदर हमारे पास एसटी एलिवेशन आ जाएगी नेक्स्ट वी हैव टेकी कार्डिया इंक्रीज इन हार्ट रेट ग्रेटर एस ए नोडल ब्लॉक अगर नोडल ब्लॉक ही हो गया तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास पी वेव आएगी ही नहीं विल जस्ट हैव दिसजी क्यू आर एस कॉम्पलेक्स देन क्यू आर एस कॉम्पलेक्स नो पी वेव देन नो पी वेव क्यू आर एस कॉम्पलेक्स जस्ट QRS complexes without p wave वेव we have atrio ventricular वेंट्रिकुलर ब्लॉक्स types टाइप्स first फर्स्ट डिग्री degree डिग्री degree, third थर्ड डिग्री blocks ब्लॉक्स फर्स्ट डिग्री वो था जिसमें तमाम वेव्स आगे चली जाती थी यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकुलर में तमाम वेव्स की कंडक्शन होती थी मगर तमाम वेव्स में पी इंटरवल ज्यादा होता था ये पी वेव ये बड़ा सा पी इंटरवल फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फिर ये टी वेव अच्छा फिर ये पी वेव ये बड़ा सा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फिर ये टी वेव ठीक है तो ये पी आर इंटरवल पी आर इंटरवल ज्यादा हो जाता है मगर हर पी वेव के बाद आता है तो ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या था कि कुछ आगे पास, करती है, से वेंट्रिकल के अंदर, और कुछ पास नहीं करती है। अब इसमें आगे दो टाइप्स हैं टाइप वन एंड टाइप टू टाइप वन में कॉन्टिन्यूस प्रोलॉन्गेशन ऑफ पी आर इंटरवल थी यानी कि एक वेव के अंदर जितना पी आर इंटरवल होगा अगली वेव के अंदर ये टी वेव है पी आर इंटरवल उससे बड़ा होगा अनलेस के पी वेव के बाद कोई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा और बीट ड्रॉप हो जाएगी यहां पर यह पी आर इंटरवल इतना बड़ा हुआ कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आया ही नहीं यानी कि बीट ड्रॉप हो गई है ठीक हो गया अच्छा टाइप टू में क्या होता है इसमें भी इसमें क्या होता है कॉन्टिन्यूस प्रोलॉन्गेशन ऑफ पी आर इंटरवल नहीं होती हर पी वेव के बाद क्यू वेव आती है और नॉर्मल इंटरवल की आती है इस तरह की ये पी वेव ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मगर एकदम सी एक पी वेव आएगी जिसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा यानी कि देर इज अ ड्रॉपिंग ऑफ बीट बट विद आउट कॉन्टिन्यूस प्रोलोंगेशन ठीक है ये देखो यहां भी पी आर इंटरवल जितना था अगली वेव में भी पी आर इंटरवल उतना ही है कॉन्टिन्यूस प्रोलोंगेशन के बाद ड्रॉप नहीं हुई एकदम वैसी ड्रॉप कर गई है बीट ठीक देन वी हैव थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक इसमें कोई भी वेव एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर नहीं जाती जब कोई भी वेव एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर पास नहीं करेगी तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों अलग अलग अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इसके अंदर पी वेव और क्यू आर कॉम्प्लेक्स में कोई सेंक नहीं होगा कभी दो पी वेव्स आ गई फिर कॉम्प्लेक्स आ गया कभी कभी इकट्ठे आ गई कभी कभी ओवरलैप uh, कर गई ठीक है कभी बार बार आई गई तो कोई सिंक ही नहीं होगा पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के अंदर ठीक है देन वी हैव इंट्रा इंटरवेंट्रिकुलर ब्लॉक ये ब्लॉक होता है परकिंजे सिस्टम का ब्लॉक जब परकिंजे सिस्टम का ब्लॉक होता है तो इसका मतलब है कि पी वेव तो सही आएगी मगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के वोल्टेज फर्क होंगे एक कॉम्प्लेक्स इतना आ गया अगर अगला क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बड़ा आ गया फिर उससे अगला क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फिर छोटा आ गया फिर उससे अगला क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फिर बड़ा आ गया तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में कोई सिंक नहीं होगा ठीक है Then we have premature ventricular contractions. Premature ventricular contractions के अंदर क्या होता है कि कोई टॉपिक फोकस होता है जो कि एबनॉर्मली अपने टाइम से पहले ही वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन करवा देता है जिस तरह के अगर हमारे पास अब ये एक पी वेव है ठीक है और इसके बाद नॉर्मली क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारे पास आना था तो अब क्या होगा कि यहां पे देखना पी वेव के बाद एकदम से यहीं पे कॉम्प्लेक्स आ गया कोई गैप नहीं आया बीच में फिर पी वेव आई इसके ऊपर ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ गया ठीक है तो ये हमारे पास अब नॉर्मल टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है और उसके बाद ये खत्म भी हो जाता है फिर नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ठीक है यानी कि प्री मेच्योरली अपने टाइम से पहले ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन हो गया मगर इसके क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या चीज होती है नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इस तरह का है तो इसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ज्यादा वाइड होगा और ज्यादा लंबा होगा ठीक है क्योंकि टाइम भी में भी डिले आ जाता है ऑफ कंडक्शन में और वोल्टेज भी इसकी ज्यादा हो जाती है फिर प्री मेच्योर कॉन्ट्रेक्शन में सेम इज द केस विद एट्रिया अब एट्रियल एल प्री मेच्योर कॉन्ट्रेक्शन में भी ऐसी होता है कि ये देखें जी नॉर्मल बीट आ रही थी पी नॉर्मल आई फिर क्यू नॉर्मल आया फिर नॉर्मल टी वेव आई ठीक है अब क्या हुआ यहां से हम प्री मेच्योर बीट शुरू करेंगे अब अगली पी वेव यहां पर जाके कहीं आनी चाहिए थी मगर होगा क्या कि आगे जाके आने की बजाय यहीं पर टी वेव के साथ ही पी वेव आगे और उसके बाद जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है उसमें भी गैप कोई नहीं है बहुत जल्दी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ गया ठीक है यानी कि ये पी वेव आई उसके बाद अगर नॉर्मली क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा था थोड़े गैप के बाद तो इसमें क्या होगा कि ये टी वेव और पी वेव साथ आ जाएंगी और उसके फौरन बाद ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा ठीक है और यानी कि देर इज ओवरलैपिंग ऑफ पी एंड टी वेव नंबर वन और दूसरा जो पी आर इंटरवल है वो भी छोटा हो गया

जो टी वेव है उसके साथ ओवरलैप करती पी वेव हमें नजर आएगी इनवर्टेड पी वेव पी आर इंटरवलर है। है? डिस्कस करते हैं वेंट्रिकुलर प्रोक्समल टेकिकार्डिया में भी प्रीमचोर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की तरह जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा वो जरा वाइड होगा हाई वोल्टेज होगा ठीक है आ, तो सेम आपने देखना है कि अगर आ, वाइड और हाई वोल्टेज वेंट्रिकुलर सॉरी कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं तो इट मींस कि कोई एक्टोपिक फोकस वेंट्रिकल्स के अंदर पड़ा हुआ है ठीक कमिंग वेंट्रिकुलर फेब्रुलेशन में क्या होता है हमारे पास वेंट्रिकुलर फेब्रुलेशन में हमारे पास ऐसे इरेगुलरसी si, हमारे पास सिर्फ लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेज आ रहे होते हैं ठीक है वेंट्रिकुलर फ्लटर गाइटन में नहीं डिस्कस किया वेंट्रिकुलर फ्लटर इज सॉ टूथ पैटर्न ऐसे जरा क्लीन होती है जैसे सॉथ बनी हुई है ठीक है फ्लटर में आप लोगों को पता हुआ है पता है कि फ्लटर में बेसिकली एक सिंगल पाथवे होता है जब सिंगल पाथवे होता है तो इस वजह से बड़ी क्लीन ईसीजी बनती है इस तरह की सॉर्ट टूथ पैटर्न वाली एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है बिल्कुल आपको पता है जी जहां पे पी वेव आनी होती है उस पी वेव की जगह ऐसे ऐसे होता है और फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल टी वेव नॉर्मल फिर पी वेव की जगह ऐसे ऐसे ठीक है लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेस फिर क्यू आर एस नॉर्मल फिर टी वेव नॉर्मल ठीक है तो ये जो पी वेव की जगह अगर आपको इस तरह नजर आए या पी वेव आपको हल्की नजर ही नहीं आए नजर ही ना आए ठीक है ये टी वेव है वे फिर पी वेव नजर ही नहीं आई तो फिर दैट इज द केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन एट्रियल फ्लटर में यही वाली जी के यहां पर रख दो यानी कि शॉर्ट टूथ सी यू पैटर्न बना और फिर उसके बाद यानी कि पी वेव की जगह शॉर्ट टूथ पैटर्न बना फिर क्यू आर एस ठीक आई टी ठीक आई फिर पी वेव की जगह सॉर्ट टूथ पैटर्न बना फिर क्यू आर एस ठीक है फिर टी ठीक है तो ये हो गया हमारे पास एट्रियल फ्लटर सो सॉरी नहीं आ रहा था सो so, दिस इज एट्रियल फ्लटर के पी वेव के पॉइंट पे uh, सॉथ पैटर्न वाला वेव्स आनी शुरू क्योंकि यहां पर uh, फ्लटर वाली वेव एक ही साइकिल में गोल गोल घूम रही होगी ठीक है सो दिस वॉज ए क्विक रिवीजन ठीक है Okay, I love it.